हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रोज के एक इम्पोर्टेंट लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के पैसेज नंबर 6 को स्टडी करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स पैसेज नंबर 6 को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसके 5 पैसेज, प्रत्येक वीडियो में एक एक पैसेज को मैंने अपलोड किया है, पैसेज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को बताया है। हम लोग इस पैसेज में भी पैसेज नंबर 6 को स्टडी करेंगे, उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को भी समझेंगे कि किस तरह इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यह पैसेज नंबर 6 जो है यहां से लेकर यहां तक है, बाय द पावर ऑफ फेथ स्टैंड एंड नॉट फॉल तक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है बुक्स में इसको फाइंड आउट करते हैं कि यह कहां पर है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है इस बुक में यहां से है, बाय द पावर ऑफ फेथ यहां से लेकर के एंड नॉट फॉल यहां तक है, यहां से लेकर के बाय द पावर ऑफ फेथ से लेकर यहां तक है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। ये कह रहा है कि बाय द पावर ऑफ फेथ, फेथ मीन्स होता है विश्वास। कह रहा है कि बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। कह रहा है कि प्रत्येक स्थायी कार्य इज अकम्प्लिश्ड, पूरा कर लिया जाता है। अकम्प्लिशमेंट पूरा करना, कह रहा है कि विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक स्थायी कार्य पूर्ण कर लिया जाता है या पूरा कर लिया जाता है। कह रहा है कि फेथ इन द सुप्रीम, कह रहा है कि फेथ विश्वास करना किसमें, इन द सुप्रीम, उस सर्वोच्च शक्ति में अर्थात ईश्वर में। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ और एंड फेथ और विश्वास किसमें, विश्वास इन द ओवर रूलिंग लॉ, सब पर शासन करने वाली शक्ति में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, कह रहा है कि विश्वास इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास, मतलब अपने काम विश्वास, एंड योर पावर टू अकम्प्लीश दैट वर्क, और उस कार्य को समाप्त करने की अपनी शक्ति में विश्वास। कह रहा है कि हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है अपॉन विच, जिस पर यू मस्ट बिल्ड, आपको निर्माण करना है। इफ यू वुड अचीव, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वुड स्टैंड, यदि आप खड़े रहना चाहते हैं, एंड नॉट फॉलो, और यदि आप गिरना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स ये पैसेज यहां से लेकर यहां तक है। अब आइए इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को भी देखते हैं कि इसका रेफरेंस है। रेफरेंस तो मैं हर पैसेज में बताता हूं और इसमें भी बताऊंगा। देखिए इसमें लिखा कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ये पैसेज लिया गया है फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। कह रहा है कि सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक लेसन से, रिटन बाय जेम्स एलन, जो कि जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स मैंने इसमें रेड कलर से लिखा, लेकिन आपको रेड कलर से परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है जहां पर मैंने रेड लिखा है। अब आइए इसे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, कह रहा है कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट की इफ यू हैव फेथ इन गॉड, कह रहा है कि यदि आपका भगवान में विश्वास है, एंड फेथ इन योर सेल्फ, और यदि आपका स्वयं में विश्वास है, यू कैन डू एनी वर्क, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आपका भगवान विश्वास है और आपका स्वयं में विश्वास है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहां एक्सप्लेनेशन का दिया गया है, ये कह रहा है कि द ऑथर सेज, कह रहा है कि लेखक कहता है दैट कि इफ वी कीप फेथ, कह रहा है कि इफ यदि वी कीप फेथ, हम विश्वास रखते हैं, किसमें विश्वास रखते हैं, इन गॉड, भगवान में। कह रहा है लेखक कहता है कि यदि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, फेथ इन गॉडली लॉस, और फेथ और विश्वास रखते हैं किसमें, इन गॉडली लॉस, मतलब ईश्वरी नियम में विश्वास रखते हैं, एंड फेथ इन आवर वर्क, और अपने कार्य में विश्वास रखते हैं, देन तब व्हाट वी आर डूइंग, तो जो हम कर रहे होते हैं इज दैट वो सही है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है। यदि जो है भगवान विश्वास करें, भगवान के नियमों में विश्वास करें, अपने कार्य में विश्वास करें, तो जो हम कर रहे हैं इसका मतलब वो सही है, एंड वी कैन डू इट, और हम इसको कर सकते हैं, देन वी कैन कंप्लीट एनी वर्क, करेक्ट, देन तब जो है वी कैन कंप्लीट एनी वर्क, हम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, नो मैटर, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, किसमें कितना समय लगेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस काम में कितना समय लगेगा, लेकिन हम पूर्ण जरूर कर लेंगे। करेक्ट, दस इस प्रकार फेथ इज द रॉक, करेक्ट, इस प्रकार फेथ इज द रॉक, रॉक में चट्टान, कह रहा है कि विश्वास ही वह चट्टान है, कह रहा है इस प्रकार विश्वास ही वह चट्टान है, ऑन विच जिस पर वी कैन स्टैंड, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, विदाउट द फियर ऑफ फॉलिंग, बिना गिरने के भय के, कह रहा है इस पर विश्वास ही वह चट्टान है, जिस पर हम बिना जो है गिरने के भय के हम खड़े हो सकते हैं।
मतलब कह रहा कि विश्वास है वो चट्टान पे हम खड़े हो सकते हैं और इसका हमें कोई भय नहीं रहेगा कि हम गिरेंगे। कह रहे बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा वी कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। कह रहा कि हम वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं क्या ग्रेट हाइट्स, कह रहा कि महान ऊंचाइयों को, अर्थात हम महान सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पैसेज नंबर 6, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, एक एक या दो बार आप देख लीजिएगा और फिर अपने से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी पैसेजेस मैंने अपलोड किए हैं इस लेसन के, आप जो है निश्चित रूप से उन सारे पैसेज को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा कठिन है, इसके शब्द थोड़ा कठिन है, इससे पीछे में आ जाएगा अगर तो लिखने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है यदि आप सारे वीडियोज नहीं देखते हैं तो। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ।